हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैच प्रेडिक्शन फॉर टुडे चैनल पर सबको स्वागत है और मैं हूं आप लोगों की दोस्त आपकी होस्ट सर हमेशा की तरह रजवीर भाई। तो यार आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में, जो आईपीएल जो क्रिकेट मंच की जो सबसे बड़ी एक लीग होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि ये जो क्रिकेट दुनिया है, क्रिकेट दुनिया की जो आईपीएल जब से आया है, तो आईपीएल तो क्रिकेट की जान बन गई है। हर साल में एक बार आईपीएल आती है और उस बार सभी क्रिकेटर को जान मिलती है, पैसा मिलती है, बहुत ही यार इन्जॉय होता है ये जो आईपीएल में या फिर बिग बैश, ये जो पीएसएल, ये जो एमएसएल, जो भी लीग होता है उससे कहीं कहीं ज़्यादा भारी है ये आईपीएल लीग। तो यार आईपीएल की जो फास्ट मैच आने वाला है, इस मैच के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी वीडियो डालूंगा, लेकिन आप लोगों की प्यार और आप लोगों की जो मैसेजेस मुझे आप लोग मुझे जो किया है आप लोगों ने, उस प्यार की वजह से मैं यार मैं बोल रहा हूँ कि इस बार जो है वो सारी वीडियो में अपलोड करूँगा और आईपीएल की सारी मैच के अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा। तो यार ये जो फास्ट मैच है बहुत ही एक भरा दोनों टीमों के साथ मुकाबला होगा, फास्ट मैच है, क्योंकि यार आरसीबी भी बहुत ही स्टार प्लेयर है और मुंबई इंडियंस तो पांच बार यार चैम्पियन हुआ है। तो ये जो दोनों टीम है ना, दोनों टीम ही मेरी एक फेवरेट टीम है इस आईपीएल की, क्योंकि यार आरसीबी के पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर है, विराट कोहली जैसे प्लेयर है, लेकिन हर बार हार जाती है ये जो टीम है। फाइनल तो दो बार खेला था लेकिन कप विनर नहीं हुआ है, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 2008 से लेके अब तक जो है वो पांच बार फाइनल का कप जीत चुका है। तो मुंबई इंडियंस की टीम जो है वो एक बैलेंसिंग टीम है, वो कहीं से भी फिनिश करती है, कर सकती है ये जो मैच है, अगर आगे बाद में बैट करे या फिर पहले बैट करे। ये जो टीम है ना वो मिडिल ऑर्डर ओपनिंग है या फिर लास्ट में, सबसे बड़ी अच्छी बात है मुंबई इंडियंस की वो है कि मिडिल ऑर्डर यानी कि फिनिशर जो होता है ना, जो हार्दिक पांड्या और ये जो किरण पोलार्ड है ना, ये जो दोनों प्लेयर है ना, ये दोनों प्लेयर की वजह से ये टीम और भी मजबूत है, क्योंकि यार दोनों प्लेयर ने बहुत ही अच्छी तरह से फिनिश करती है मैच को, बड़ी बड़ी छक्का मार सकती है, बड़ी बड़ी छक्का मार सकती है। ये जो किरण पोलार्ड है वो तो छः बॉलों पर पास या फिर चार छः मार देती है एक ही ओवर में, और ये जो हार्दिक पांड्या भी यार बहुत ही एक अच्छी स्ट्राइक रेट है इसकी, 170 के ऊपर है इसकी रेट। तो ये जो दोनों प्लेयर है, दोनों प्लेयर की वजह से यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये जो मुंबई इंडियंस। लेकिन ये जो क्विंटन डी कुक है, ये जो ओपनर है जो रोहित शर्मा के साथ करेगा, वो क्विंटन डी कुक को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा, क्योंकि क्विंटन डी कुक ने साउथ अफ्रीका से जरूर आया है लेकिन वो क्वारंटाइन में है, और मैं सुन रहा हूँ कि वो खेलेगा, तो देखते हैं क्या होता है। डी कुक होगा तो और भी भारी हो जाएगी ये जो मुंबई इंडियंस की रोहित शर्मा की टीम है, और जो मुंबई इंडियंस की जो बॉलर है ना, बॉलर की यार लाजवाब बॉलर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, ये जो ट्रिन बोल्ट जैसा बॉलर है, दोनों बॉलर ही बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है, और ये जो ट्रिन बोल्ट इस साल तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज खेला था बहुत ही अच्छी फॉर्म में था ये जो ट्रिन बोल्ट है, और या फिर जो लीग खेला था जो न्यूजीलैंड की लीग हुआ है उसमें भी अच्छी फॉर्म में था ये जो ट्रिन बोल्ट है, या फिर पिछले साल आईपीएल में भी ये जो ट्रिन बोल्ट है वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और बुमराह जी यार नया नया शादी करके आया है, तो देखते हैं कि नया नया शादी करके उसकी जो बॉलिंग है वो लड्डू फूटता है या फिर नहीं फूटता है, वो उसकी बॉलिंग देखने के लिए हम लोग को जरूर यार इंतज़ार में है, क्योंकि नया नया शादी करके आया है तो भाईजान की तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, बॉलिंग में जादू आएगा या फिर जादू उड़ जाएगा, देखते हैं क्या होता है, जादू आता है या फिर जादू उड़ जाती है। तो बात करते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी की जो है बेंगलोर जो लीड करेगा टीम वो है कि विराट कोहली, सब जानते हैं, और इस टीम में इस बार थोड़ा सा चेंजेस किया है कि हमेशा की ये जो टीम होती है ना वो एक हाई क्वालिटी बैट्समैन टीम होती है यानी कि बैटिंग टीम होता है, लेकिन इस बार जो है वो लगता है मुझे कि बैलेंसिंग टीम है, क्योंकि बॉलिंग भी है और बैट्समैन भी है, क्योंकि ये जो ग्लेन मैक्सवेल जो है वो पिछले साल या फिर दो साल कुछ भी नहीं कर पाए ये जो ग्लेन मैक्सवेल है, लेकिन ये जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुआ था उस मैच में थोड़ा सा अच्छी खेला था ग्लेन मैक्सवेल ने, तो देखते हैं इस बार आरसीबी के साथ विराट कोहली के साथ देता है मैक्सवेल या फिर नहीं देता है, उसकी पल्ला चलती है या फिर नहीं चलती है, ये देखने के लिए भी हम इंतजार करेंगे। तो इसके साथ साथ एबीडी विलियर्स भी है जो एक खतरनाक बैट्समैन है जो 360 100 कहती है जिसको जो एबीडी
प्लेयर्स, बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। और एवरेज की बात करूँ तो पेडिकल भी है इसी टीम में। पेडिकल वो पिछले साल जो डेब्यू किया था आईपीएल में, बहुत ही अच्छी खेला था, बहुत ही अच्छी खेला था। तीन 50 भी किया था। पहली आईपीएल जो जीवन की जो पहली आईपीएल होता है उसमें से यार खेलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो पेडिकल भी बहुत ही एक अच्छी हीटर बैट्समैन है, ओपनर के लिए बहुत ही अच्छी बैट्समैन है। जो पावर प्ले है, पावर प्ले की पूरी फायदा लूटती है ये जो पेडिकल है। उसके साथ साथ जो राजद या फिर आजहरुद्दीन, ये दोनों से में एक खेलेगा। आजहरुद्दीन अगर खेलता है तो बैटिंग लाइन जो है वो स्ट्रोंग हो जाएगी। अगर राजद खेलता है तो ऑलराउंडर की जो एक प्लेयर होता है ऑलराउंडर, उसकी जगह पूरा करेगी ये जो राजद है। तो पूरा मिला के देखा जाए, इसके साथ साथ भी ये जो डैनियल क्रिस्टियन है जो बिग बैश में बहुत ही अच्छी फॉर्म में था, और जो सिनी सिक्सर है 3-4 मैच जीता भी था। ये जो डैनियल क्रिस्टियन है एक अच्छी ऑलराउंडर है, मिडल ऑर्डर पर खेलती है, 5-6 नंबर पर नामती है, लेकिन यार बैटिंग बहुत अच्छी करती है, लंबी लंबी 6 मार सकती है और बॉलिंग भी अच्छी कर सकती है और विकेट गिरा सकता है ये जो डैनियल क्रिस्टियन है। तो डैनियल क्रिस्टियन बहुत ही एक अच्छी प्लेयर है। अगर आप लोग ड्रीम इलेवन या फिर कोई भी लीग बनाना चाहते हो तो डैनियल क्रिस्टियन को जरूर पिक करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्लेयर है मैं बोलूँगा, और आईपीएल में भी अच्छी करेगा ये जो डैनियल क्रिस्टियन है। उसके साथ साथ यार ये जो नवदीप सानी है, सानी भी एक अच्छी तेज गेंदबाज है, इसी टीम की सबसे तेज गेंदबाज है। उसके साथ है वाशिंगटन सुंदर। तो ये जो दोनों टीम है ना, दोनों टीमों की जो मैंने प्लेयर के नाम बताया है वो बहुत ही अच्छी प्लेयर है। और इस बार मैंने जो बोला है कि ये जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है वो सिर्फ बैटिंग टीम नहीं है, बैलेंसिंग टीम हो गई है। तो ये जो पहली जो आईपीएल की मैच होगा यार, मेरे हिसाब से जो भी टीम अपनी टॉस जीतेगा, टॉस जीत के वो बॉल करेगा, मेरे हिसाब से इस पिच में, इस मैदान पर वो टीम जीत सकती है। क्योंकि इस मैदान में फास्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है वो है 150 से लेकर 160 तक, और चेजिंग भी अच्छी होती है इस पिच पर, 160 से 170 है इस पिच की सेकेंड इनिंग्स एवरेज स्कोर। तो मेरे हिसाब से इस पिच में हाईएस्ट स्कोर भी होती है, 182 तक हाईएस्ट स्कोर हुआ है इस पिच में। और दोनों टीमों की जो है टू हेड है वो है, इससे दोनों टीम ने अब तक तो यार मुंबई इंडियंस ने 19 बार जीत चुका है, और ये जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वो 10 बार जीता है, यानी कि 29 यानी कि 29 बार दोनों टीमों में आपस में मुकाबला हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरी चॉइस आप लोगों को मैंने बता दिया, तो देखते हैं क्या होता है। मेरी कोई भी टीम पिक मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं टॉस के तक, टॉस होने के तक मैं इंतज़ार करूँगा। अगर आप लोगों की कोई भी टीम फेवरेट है या फिर आप लोगों की राय क्या है, कौन सा टीम जीत सकती है अपनी फर्स्ट आईपीएल मैच में, तो वो मुझे नीचे कमेंट्स करके बता दो कि कौन सा टीम जीतेगा। मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उस मैन को, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलते हैं आज के लिए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जो सब्सक्राइब की लाल बटन है वो भी दबा देना यार। उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा देना। मेरी आईपीएल की जो हर अपडेट जो है ना वो आप लोग जरूर पाओगे। तो चलते हैं आज के लिए।